Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aish Joshi, and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 7th of October 2020 and we are going to take today's Hindu news analysis. Okay, let's take it. The first news is based on Nobel Prizes for Physics. Let's see what it is. Basically, three black hole researchers got Nobel Prize for Physics. Teen black hole researchers jo hai unko नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट साइंटिस्ट अवार्डेड फॉर डिस्कवरीज ऑन वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉटिक फिनोमिना इन द यूनिवर्स. इट इज़ द मोस्ट एग्जॉटिक फिनोमिना एक्चुअली इन द यूनिवर्स टू गो थ्रू द ब्लैक होल्स. ओके, सो रोजर पेनरोज ऑफ ब्रिटेन, रेनहार्ड जेंगल ऑफ जर्मनी and Andrea Ghez of the US won the Nobel Prize Nobel Physics Prize on Tuesday for their research into what the Nobel Committee called one of the most exotic phenomena in the universe, the black hole. Black hole जो कि सबसे exotic phenomena है उसके उस क्षेत्र में तो जो है इन तीनों को Reinhard Genzel उसके अलावा Andrea Ghez and Roger Penrose इन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ दिया गया है. सो ट्यूसडे को इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एट ऑल. मिस्टर पेनरोज हु इज़ 89 ईयर्स ओल्ड वॉज ऑनर्ड फॉर शोइंग दैट द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेड फॉर टू द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स. वाइल गेंजल गॉड हु इज 68 ईयर्स ओल्ड एंड मिस Ghez, who is 55 years old, were jointly awarded for discovering that an invisible and extremely heavy object governs the orbit of stars at the center of our galaxy. Hamari galaxy ke center mein jo stars ka orbit hai use govern karta hai ek bahut hi heavy object, extremely heavy object. Is cheez ko find out karne ke liye जो है इन तीनों को अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज से नवाजा गया है. ओके, मिस गेज इज जस्ट द फोर्थ वुमेन टू रिसीव द फिजिक्स प्राइज सिंस 1901 से पहली महिला जो है उसके पहली बार जो है फोर्थ वुमेन ऐसी हैं जिनको इस क्षेत्र में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है. चौथी महिला है ये. ओके, एंड द फर्स्ट नोबेल प्राइजेज वर हैंडेड आउट 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था. उसके बाद जो है चौथी महिला है ये गेज, एंड्रिया ग्रेज, जिनको इस क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज दिया गया है. सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. एंड जो थ्योरीज इन्होंने थ्री ब्लैक होल के बारे में रिसर्च करके हमें बताई है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और मिस्टर पेनरोज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स, फॉर ब्लैक होल के फॉर्मेशन की जो थ्योरी है उसके बारे में बताया है पेनरोज सर ने. जबकि वहीं पे अगर मैं बात करूँ गेज की और गेंजल की, तो इन लोगों ने हमें बताया कि एक इनविजिबल और एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट है जो गवर्न करता है स्टार्स के ऑर्बिट को, जो कि गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में है. ओके, सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीड ऑल अबाउट इट. यू शुड ऑल्सो गो फॉर इट. बट समवेयर ये जो तीनों पर्सनालिटीज़ है इन्हें क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिलने से कहीं ना कहीं एक तहलका मचा है उन लोगों के क्षेत्र में भी जो कि कोरोना वायरस की दवाई के बारे में या उसकी दवाई को लेकर वर्क कर रहे हैं, उसकी वैक्सीन को लेकर वर्क कर रहे हैं. ओके, मिस्टर गेंजल एंड गेज हु हैव लेड रिसर्च सिंस द 1990s फोकसिंग ऑन अ रीजन कॉल्ड सेगिटेरियस ए. सो एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे, मिल्की वे का सेंटर है सेगिटेरियस ए, वहाँ पे काफ़ी टाइम से फोकस और रिसर्च कर रहे हैं, 1990s से कर रहे हैं मिस्टर गेंजल और मिस गेज. सो अल्टीमेटली दे गॉट देयर डिस्कवरी एंड फाइनली अराउंड 4 मिलियन टाइम्स ग्रेटर दैन द मास ऑफ द सन. जिस ऑब्जेक्ट के बारे में इन्होंने इनविजिबल हैवी और एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाया है वो अराउंड 4 मिलियन टाइम्स बड़ी है, ग्रेटर है
बजाय कि सन के मास के, सन के मास से भी 4 मिलियन टाइम्स। सो अल्टीमेटली इट इज़, इट कैन बी सेड दैट इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग एंड हैवी ऑब्जेक्ट ऑल। ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट इज वैंक्विशिंग वायरस। द नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन इन इज एन इंस्पिरेशन फॉर रिसर्चर्स वर्किंग ऑन सार्स कोविड 2। नोबल प्राइज़ जो है मेडिसिन क्षेत्र में जो दिया गया है वो अल्टीमेटली उन रिसर्चर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है जो सार्स कोविड 2 के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एट द टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज फेस्ड विथ मल्टीपल असॉल्ट्स फॉर फ्रॉम अ फ्राइटनिंग ऑब्स्कर वायरस इट कैन नॉट बी मेयर कोइंसिडेंस दैट द नोबल कमिटी decided to anoint 3 scientists who peeled the layers of another virus that confounded generation of physicians, the hepatitis C virus, and it was working about it. The 3 scientists who were working towards it and who peeled the layers of another virus, that is HCV, hepatitis C virus. So ultimately, by giving Nobel Prize to those three members, it is quite interesting, or I can say it is an inspiration for all those researchers who are working towards SARS-CoV-2. Okay, so 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Harvey J. Alter, Michelle Houghton, and Charles M. Rice is a stout endorsement of years of work that went towards identifying one of the world's greatest scourges. But to see it shown of the context it is couched in, it would be miss the larger opportunity or larger point or purpose it could serve. Choosing researchers who went after a pathogen and succeeded in unwrapping the whole puzzle at the time, than others are fighting fatigue in a daily battle against SARS-CoV-2. जिस समय लोग SARS-CoV-2 वायरस से काफ़ी हम कह सकते हैं जूझ रहे हैं और काफ़ी उससे जो है उससे डर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, उस समय इन तीनों साइंटिस्ट ने मिल करके और हेपेटाइटिस सी वायरस की वैक्सीन के बारे में खोज निकाला है, उसके वायरस के बारे में, और उसकी सारी लेयर्स जो है उसे पील आउट कर दिया है, और उसके बारे में सब कुछ पता लगाने के बाद अल्टीमेटली दे गोन थ्रू दी मेडिसिन फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस। सो अल्टीमेटली इट इज़ क्वाइट इंस्पिरेटिंग, और आई कैन से एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज पर्सन्स, ऑल दोज साइंटिस्ट और वर्कर्स हु आर वर्किंग टूवर्ड्स द मेडिसिन ऑफ सार्स कोविड 2। ओके सो अल्टीमेटली इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट दे विल डेफिनेटली वर्क अकॉर्डिंगली, एंड टू वर्क अकॉर्डिंगली इट इज़ सच अ वेरी you know interesting fact that somewhere some persons got the Nobel Prize in the field of physics, and by inspiring from all those people's works toward the people who are working towards the COVID-19 is quite interesting, that who will go through the ultimately by this stunt definitely we will get our medicines at all. Okay, so it is all about it. In true lineage of other Nobel Prizes of Medicine, their identification represents milestone achievement that have revolutionized medicine and substantially improved human health. The trump of humanity over the pathogens that debilitate and kill men and women is certainly a singular achievement that is worth celebrating, and showcasing this achievement will send a deeply inspiring message at the time when others or other viruses is holding the world to ransom. जिस समय विश्व बुरी तरीके से झगड़ा हुआ है COVID-19 से और सार्स कोविड से बेसिकली, तो उस कंडीशन में वो लोग जो कि इस पर कार्य कर रहे हैं, वो लोग जो इसकी मेडिसिन पर वर्क कर रहे हैं COVID-19 की, उन सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है ये जो नोबेल प्राइज़ है वो, कि इसी तरीके के क्षेत्र में कार्य कर रहे जो मेडिकल एरियाज है जिसके अंदर हेपेटाइटिस सी वायरस की दवाई ढूंढ निकाली है, तो अल्टीमेटली
उन लोगों को नोबल प्राइज़ मिलना जो है अपने आप में एक मोटिवेशन और या इंस्पिरेशन का वर्क करता है उन लोगों के लिए जो COVID-19 के लिए मेडिसिन फाइंड आउट कर रहे हैं। सो लेट्स सी ये मोटिवेशन कहाँ तक वर्क करता है, कितना पॉजिटिवली जो है इनका आउटकम नज़र आता है, हमें इनका रिजल्ट क्या नज़र आता है, ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में पता चलेगी। बट अल्टीमेटली इट इज़ अ गुड थिंग दैट द नोबल प्राइज़ फॉर मेडिसिन इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अदर रिसर्चर्स हु आर वर्किंग टूवर्ड्स SARS-CoV-2 बिकॉज somewhere every individual of this world is facing SARS-CoV-2 issue and if they are going through the or scientists are going through the medicines or vaccine for it, definitely we will be the person, we will whole world will be the definitely whole world will be the ultimate ultimate audience of seeing a huge advantage or huge discovery of medical science. Okay, so ultimately in the field of medical science it is a huge discovery, it will be a huge discovery, and definitely we will be going through and we will be watching a person who will definitely be a great opportunized person for this vaccine of SARS-CoV-2. Okay, so it is quite interesting to go for. The next is grapes of wrath. What it is, Yogi regime is trying to stigmatize, legitimate outcry on the Hathras murder case is here, and we know very well that Yogi government is, or especially Yogi ultimately, is facing a lot of issues. I can say it is not UP protest, basically it is the protest of whole India, where every individual of India is requiring the judgment or requiring a positive aspect of what had happened with that particular girl. Okay, and in that particular thing, what Yogi government and Yogi criteria or Yogi is doing in all these areas or fields is somewhere disturbing. Okay, so let's see what it is. Basically, the registration of multiple police cases in Uttar Pradesh on charges of conspiracy sedition is an insensitive. Okay, so albeit surprising response to the legitimate outrage sparked by the way in which its official had handled the aftermath of the gang rape and murder of a Dalit girl in Hathras. Hathras में एक दलित लड़की का गैंग रेप होना और फिर उसका मर्डर हो जाना, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है अभी, और उसी के चलते यूपी के अंदर काफ़ी जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हिला कर रख दिया है लोगों ने। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज सीकिंग टू कन्वर्ट द आउटक्राई एंड पॉलिटिकल एडवोकेसी इनटू अ प्यूटेटिव कॉन्स्पिरेसी टू फॉमेंट कास्ट डिस्कॉर्ड। इस पूरे मुद्दे को बेसिकली कास्ट बेसिस पर लेके जाया गया है, और ये अल्टीमेटली गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। गवर्नमेंट का ये क्राइटेरिया है कि वो इस पूरे मुद्दे को इस तरीके से लेकर गई है जिसमें कास्ट बेसिस पर डिफरेंशिएट किया गया। द गर्ल वॉज बेसिकली अ दलित गर्ल, एंड इट मीन्स द लोअर कैटेगराइज्ड और लोअर कास्ट गर्ल, एंड समवेयर द हायर कास्ट पीपल्स डू द गैंग रेप। सो अल्टीमेटली द पीपल सेज और ये रिपोर्ट भी आई थी अभी रिसेंटली बीच में, कि पुलिस का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि मेडिकल का ये कहना है, मेडिकल डिपार्टमेंट का, कि उस लड़की के साथ जो है गैंगरेप हुआ ही नहीं है, जबकि उसने खुद ये बयान दिया है, और मेडिकल में पहले ही ये चीज़ बता दी गई थी, डिसाइड हो गई थी कि शी हैड सफर्ड विद गैंगरेप, एंड देन अल्टीमेटली उसके साथ जो हुआ वो हम सभी को पता है कि उसके साथ फिजिकल असॉल्ट भी उसे हैंडल करना पड़ा, और मेंटल भी, और इंटरनल तो बिल्कुल टूट ही गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमें रिसेंटली पता चली, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि डेथ से पहले उसने सारी पिक्चर को हमारे सामने खोल कर रख दिया, गवर्नमेंट के सामने खोल कर रख दिया, पूरे यूपी और इवन पूरे इंडिया के सामने खोल के रख दिया। लेकिन सरकार का ये कहना है, या सरकार के दबाव में आकर मेडिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि गैंगरेप हुआ ही नहीं था, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से इस पूरी सिचुएशन को मॉल्ड करने की और पूरी सिचुएशन चेंज करने की। ओके,
एंड इवन इसे जो है एक कास्ट बेसिस पर जो हम कह सकते हैं मुद्दा भी बना दिया गया है। अब ये लोगों द्वारा बनाया गया है, सरकार द्वारा बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बट अल्टीमेटली ये कास्ट बेसिस पर होने चलने वाला मुद्दा भी कहलाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक दलित गर्ल इट मीन्स लोअर और अपर कास्ट को डिफाइन किया गया है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं जहाँ भारत एक तरफ पूरी तरीके से आज़ादी के बाद भी जो है हिंदू मुस्लिम का एक टैग लिए और उसके बीच की जंग को लड़ते हुए नज़र आ रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ एक नया जो है अप एंड डाउन नज़र आया है, वो अपर कास्ट और लोअर कैटेगरी का, लोअर कास्ट का है ना। इट वॉज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट सच एन एटीट्यूड वुड क्रिएट अ बैकलैश अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। द ओनली वे टू रिस्टोर इट्स इमेज इज़ टू डिस्प्ले एम्पैथी फॉर द विक्टिम एंड ट्रीट प्रोटेस्ट सीकिंग जस्टिस एज लेगिटिमेट। अब अल्टीमेट बेसिकली वॉट इट इज़, अल्टीमेटली अब सरकार को और पूरे डिपार्टमेंट को इस पूरे केस में जो करने की ज़रूरत है वो है विक्टिम को ध्यान में रखते हुए जो हम कह सकते हैं, या इस पूरे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली उन लोगों को कैच करना और उनको कैच करते हुए उनके लिए सज़ा का प्रावधान करना जिन्होंने इस केस को यहाँ तक बढ़ाया, या हम कह सकते हैं जिन्होंने, जिनकी वजह से ये रेप केस हुआ है, रेप किया गया है जिन्होंने, उन लोगों को गैंग रेप के करने वाले सभी गैंग के मेंबर्स को पकड़ना और उन सभी को इसकी सज़ा दिलवाना। तो अल्टीमेटली अगर यूपी सरकार ये नहीं करती है, इस पर कार्य नहीं करती, तो डेफिनेटली उन्हें वहाँ के लोगों का गुस्सा हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली इमेज तो चेंज हो ही चुकी है सरकार या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की, तो फॉर रीस्टोरिंग ऑफ दैट इमेज, उस इमेज को रीस्टोर करने के लिए दे नीड टू वर्क ऑन इट। Now, even though the suspects named by the 19-year-old before her death in the Delhi hospital have been arrested and FIR includes the charge of gang rape, there are clear signs that the Yogi Adityanath government is adopting devious tactics to prevent what it sees as the crystallization of public opinion against itself. Okay? Recognizing that the formation of an SIT did not help undo. So basically पुलिस की कैलकुलेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन ये कहती है कि पर्टिकुलर प्लेस पर रेप हुआ ही नहीं है, लेकिन लोगों की डिमांड पर और पूरी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने सिट को फॉर्म किया है, दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो इस पूरे मुद्दे पर कार्य करेगी, इस पूरे मुद्दे को देखेगी कि वास्तविकता में हुआ क्या है, गवर्नमेंट की इमेज को और सीएम की इमेज को जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सुधारने की कोशिश का सुझाव भी दिया गया है। However, even that came across as a move to fob off any adverse order from the Allahabad High Court, which has taken suo motu cognizance of the matter. So remarks by the senior police officer to the effect that there was no evidence of rape. सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जहाँ पे जो है, एक रिमार्केबल बात यह है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो है जिन्होंने इस पूरे जो है मुद्दे का के बारे में जो है स्टडी किया है, या हम कह सकते हैं पूरा निरीक्षण करने के बाद अल्टीमेटली उनका यह स्टेटमेंट आया है कि बेसिकली रेप तो उस जगह पे हुआ ही नहीं है, उसका कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। साइटिंग द एब्सेंस ऑफ सेमेन इन स्वैब्स टेकन फॉर फॉरेंसिक एनालिसिस, स्वैब जो कि फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजे गए थे, उसके अंदर किसी तरीके का कोई रेप दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिकेटेड ऑन ऑफिशियल रिलक्टेंस टू एक्नॉलेज द गैंग रेप पार्ट ऑफ द ऑफेंस एंड लेटेस्ट रिपोर्ट सजेस्ट दैट द जर्नलिस्ट और ऑन हिज वे टू हथरस एंड थ्री अदर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड, दे आर ऑल्सो सॉट टू बी लिंक्ड इन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। So an organization whose name came up in connection with recent riots and anti-government protests. This raises the suspicion of an attempt to control the narratives to by restoring to a template of identifying members of a communal organization as alleged conspirators and investigators of violence. The template includes the use of penal provisions relating to seditions and
कॉन्स्पिरेसी एंड द प्रोजेक्शंस ऑफ अ थ्योरी दैट ऑल प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी अगेंस्ट इट कॉन्स्टिट्यूट अ प्लॉट टू ओवर थ्रो द गवर्नमेंट. रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट वुड बी एंडेवर टू एक्सटेंड द हीलिंग टच, reassure the victims and reserve its wrath for the offenders. Instead, the Aditya Yoginath or Adityanath government is focusing on blaming political leaders, pressuring the victims' family and preventing the emergence of a united voice against sexual violence. Sexual violence against jo लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स इस मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं या इसमें अपनी आवाज़ उठा रहे हैं. अटैक्स ऑन द मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी पर अटैक कर रहे हैं, या डिवास्टेटिंग इफेक्ट एंड रीजनरेट केस हायरार्की हैज़ ऑन सोसाइटी. सो अल्टीमेटली बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है. ये अपर कास्ट लोअर कास्ट के बेसिस पर और अदर मुद्दों के बेसिस पर, या अगर अदर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स के या अदर पॉइंट्स को लेते हुए जो अपोजिशंस हैं वो इसे फोकस करने की कोशिश कर रही है और अल्टीमेटली इस मुद्दे को गरमाए जाने की कोशिश की जा रही है. इस पूरे हथरस मामले के अंदर जांच चल रही है और बेसिकली फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अंदर कहीं पर भी गैंग रेप को लेकर के कोई भी जो है बात सामने नहीं आई है. लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉलिटिकली अदर एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं सरकार के खिलाफ या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रहे हैं, उनके खिलाफ जो अपर लोअर कास्ट के ब्लेम्स लगाए गए हैं, उन सारे ब्लेम्स उन सारे जो चीज़ों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने अल्टीमेटली सेट को फॉर्म किया, दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम विच विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर एंड दे विल लेट अस नो दैट व्हाट हैड हैपेंड एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट और एट दैट प्लेस एंड अल्टीमेटली इट विल बी द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. लेट्स सी द योगीज रिजाइन टू अल्टीमेट और टू स्टिग्मेटाइज द लेगिटिमेशन और लेगिटिमेट आउटक्राई ऑन द हथरस मर्डर. ओके, द नेक्स्ट इज कमिंग अप ट्रम्प्स इन द वायरस फाइट. COVID-19 हो गया है ट्रम्प को भी, हमें भी पता है. द ग्लोबल COVID-19 रिस्पॉन्स नीड्स टू फोकस ऑन डेफिनेट प्रिवेंटिव मेजर्स. जिस तरीके से ग्लोबली COVID-19 फैल रहा है, उसका जो रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है, उसे डेफिनेट प्रिवेंटिव मेजर्स की ज़रूरत है, उसको फोकस करने की ज़रूरत है. यूनिवर्सल मास्किंग फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो यूनिवर्सल मास्किंग इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो जस्ट लाइक द मास्किंग, यूनिवर्सल मास्किंग, इट इज़ द प्रिवेंटिव मेजर एज वेल एज वी नीड मच मोर प्रिवेंटिव मेजर्स टू फोकस ऑन ऑल दीज व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली टुवर्ड्स COVID-19. ओके, सॉरी, विच कंट्री हैज़ परफॉर्म द हाइएस्ट नंबर ऑफ COVID-19 टेस्ट. किस कंट्री में सबसे ज़्यादा मात्रा में COVID-19 टेस्ट हुए हैं? द यूनाइटेड स्टेट्स. दिस इज द ओनली कंट्री वेयर मैक्सिमम लेवल और हाइएस्ट लेवल ऑफ COVID-19 टेस्ट हैज़ बीन कंडक्टेड. एंड विच कंट्रीज प्रेजिडेंट सेट दैट ही इज सेफ बिकॉज एवरी वन हु मीट्स हिम एट वर्क और अटेंड्स अ पॉलिटिकल रैली इज स्क्रीन्ड बाय वायरस टेस्टिंग. वायरस टेस्टिंग की प्री स्क्रीनिंग होकर ही कोई बंदा मेरे तक पहुंच रहा है, मेरे पास मीटिंग को लेकर आ रहा है, और हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं या अदर जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसके अंदर प्री स्क्रीनिंग या अदर मेजरमेंट्स को फॉलो करते हुए की जा रही है, उसके बेसिस पर मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ. ये बात भी किसने कही? तो ये बात भी US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कही गई है. एंड अनफॉर्चुनेटली वो भी इन्फेक्टेड पाए गए हैं रिसेंटली. द नोवल कोरोना वायरस डिस्पाइट ऑल दैट टेस्टिंग, उन सारी टेस्टिंग के अगेंस्ट भी, उन सब के बजाय, वाई विशिंग हिम अ स्पीडी रिकवरी, बेसिकली हम उनको विश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए. वी मस्ट वंडर वाई द फॉर्मिडेबल कॉर्डोन ऑफ टेस्टिंग डिड नॉट प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम स्नीकिंग थ्रू. क्यों इस लेवल पर टेस्टिंग होने के बाद भी, इतनी स्क्रीनिंग होने के बाद भी, इतने मेजर सिक्योरिटी मेजर्स के बाद भी इस वायरस को हमारे तक पहुंचने से नहीं रोका जा रहा है? ऐसा क्या रीज़न है? ओके, ग्लोबल लेवल पे जो है US के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में डेथ रेट्स भी पाई गई थी. हाई डेथ रेट्स क्यों हैं अगर इस लेवल पे टेस्टिंग हुई है, इस लेवल पे वर्क हुआ है? तो द आंसर्स आर रेलेवेंट टू अदर कंट्रीज़. ये जो आंसर्स है ये रेलेवेंट है बेसिकली अदर कंट्रीज से.
So let's see what it is. This test strategy. What is the test strategy? Test, test, test. What is it? To control the pandemic, the only thing is not test, 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 and test. They are not infallible. Okay. They have inaccuracies arising from fast negative and false positive results. False negatives mean that tests do not always detect the virus when present. This may be because the virus could not be picked by the swab early or late in the infection, or that a defective sampling techniques could not grab the virus. जिस तरीके की defective sampling services हो रही है या other medical services हो रही है उसको देखते हुए वायरस इजीली कैप ग्रेस्प जो है हम नहीं कर पा रहे हैं, इजीली स्वैब कैरी नहीं कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है किस पर्सन में वायरस है या नहीं, लेकिन अल्टीमेटली वो बंदा भी कुछ ही समय बाद में वायरस से पीड़ित नजर आता है. तो क्या रीज़न है इसका अल्टीमेटली? क्या टेस्ट टेस्ट और टेस्ट ही अल्टीमेट रीज़न है, या इसके लिए हमें फर्दर और वर्क करने की ज़रूरत है? ओके, सो अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन से होने चाहिए उसे भी यहाँ डिस्कस किया गया है. यूज़ ऑफ मास्क को यहाँ पे बताया गया है कि जब ग्लोबल लेवल पे मास्क यूज़ किया जा रहा है, इस लेवल पे वर्क किया जा रहा है कि मास्क को, सैनिटाइजर्स को बेसिकली मैक्सिमम लेवल पे यूज़ किया जाना चाहिए. और अल्टीमेटली अगर बेसिकली ही बेसिक लेवल पर ही आप इन्हें वर्क यूज़ ले लेंगे तो आपको मैक्सिमम लेवल पे रिलीफ प्रोवाइड होगा. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारे मुद्दों को देखते हुए अल्टीमेटली वी कैन से कि क्यों US सफ़र कर रहा है, क्या रीज़न है इसका, क्यों जो है मैक्सिमम लेवल पे डेथ केसेस भी, हाईएस्ट डेथ रेट्स भी हमें US में देखने को मिली. और अल्टीमेटली अब जब US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, जो हर थोड़े टाइम में टेस्ट करवाते हैं, इवन इतना ही नहीं, जो हर थोड़े टाइम में अपने जो स्क्रीनिंग है अपने तक आने वाले सभी मेंबर्स की स्क्रीनिंग करवाते हैं. तो इन सारे मेजर्स को देखते हुए व्हाई द वायरस इज ओनली थिंग विच इज़ हैपनिंग टू एवरी इंडिविजुअल, नो मैटर ही और शी इज़ वेयरिंग मास्क, नो मैटर हाउ दे आर सिक्योरिंग देमसेल्फ फ्रॉम दिस वायरस, नो मैटर एट ऑल दे they are just going on, the tests are going on. So ultimately we need to go through the preventive measures from the test, and what is ultimately the reason behind this test strategy, and what we need to work more on a new strategy towards test and sampling of it. Okay, so it is all about it, and what will be the use of mask at all, and yet indoor crowding can form virus clouds from such persons as confined spaces and endangering many others. Here too, universal masking offers the best protection. अभी तक का जो बेस्ट प्रोटेक्शन है वो यूनिवर्सल मास्किंग हमें प्रोवाइड करवा रहा है. और इस पूरे जो आप इसको पढ़ेंगे जब पूरे आर्टिकल को, तब भी आपको समझ में आएगा कि अभी तक का जो हम कह सकते हैं अल्टीमेट सोर्स बताया गया है या सबसे बेस्ट वे बताया गया है इस वायरस से बचने का, वो मास्किंग है ना, यूनिवर्सल मास्किंग. हेयर टू यूनिवर्सल मास्किंग ऑफर्स द बेस्ट प्रोटेक्शन, इफ ओनली वी कुड रोल द क्लॉक बैक एंड रिकमेंड यूनिवर्सल मास्क और मास्किंग इन जनवरी और फरवरी. अगर फेब 2020 के अंदर ही मास्किंग को ऑफर कर दिया जाता तो अल्टीमेटली, या मास्किंग स्टार्ट कर दी जाती तो इस तरीके के केसेस इस लेवल पे, इस पीक पे नहीं नज़र आते. सो नो इशू, वी हैव टू वर्क ऑन इट. इफ ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैड रेगुलरली वोन द मास्क एंड टोल्ड अदर्स टू डू सो. अगर जो है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कभी मास्क नहीं वेयर किया, खुद को बिल्कुल कोविड से अवे बताया, इवन ये भी बताया कि मेरे से जो मिलने आ रहे हैं, हम जिनसे मीटिंग कर रहे हैं, वो सभी मास्क वेयर करके आ रहे हैं, स्क्रीनिंग करके होके आ रहे हैं उन सबकी. सो अगर वो पहले से ही मास्क पहनते और लोगों को भी मास्क रिकमेंड करते, तो अल्टीमेटली उन्हें इस पर्टिकुलर डे का सामना या इस पर्टिकुलर सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता. सो इट इज़ ऑल अबाउट ट्रम्प्स एंड ट्रम्प्स वायरस फाइट एट ऑल, एंड लेट्स सी what will be happened by the next, and what will the universal using of universal masking, or I can say preventive measures towards all COVID-19, okay, and what will the global response for it. The next article is the disintegration of the criminal justice law. A problem-solving system handled by the executive is taking shape, and establishing truth through trials has ceased to exist.
exist. Ultimately, what it is, a well-established textbook on the principles of criminal law in the United Kingdom painstakingly establishes various theoretical bases of justifying that what should be a crime, that it should involve some harm. Trust carry a certain degree of seriousness and so on, but then revealing it under the this edifice in a single section of or by telling us that at the end of the day criminal law and crimes are whatever the state says it is. In India, this political nexus is arguably more pronounced. A majority government makes the law and controls investigation machinery, which means that not only does it define what a crime is, but it also can also selectively pursue only those crimes which it cares about and forget about the rest. What it is basically crime kya hai, criminal justice system jo hai, uske disintegration ki baat batai gayi hai. UK ka ek system hai that will define the criminal laws and which will justify the harms that is involved in it, that is crime. And to usko disintegrate karne ki ya usko justify karne ki baat kahi gayi hai ki kaun kaun se aise crime hain जो सीरियस क्राइम्स हैं उन्हें जस्टिफाई करते हुए बाकी क्राइम्स को उनसे अलग करके एक नया क्राइम बनाने की ज़रूरत है. एंड इन दिस रे अक्रॉस इंडिया वी विल जस्ट गो थ्रू इट. यूपी में जो क्राइम देखने को मिला गैंग रेप का, उसको जो है उसकी मेजॉरिटी को देखते हुए, उसकी प्रायोरिटी को देखते हुए, वी कैन सी किस तरीके के केसेस या किस तरह के क्राइम्स ऐसे हैं जिन्हें डिसइंटीग्रेट करते हुए या जिन्हें हम कहते हैं डीमर्ज करते हुए एक नया जो है सेक्शन, एक नया क्रिमिनल सेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है. क्योंकि हर तरीके का केस एक लेवल पे आकर एक तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता. हर तरीके के केस को, हर तरीके के जो क्रिमिनल पैटर्न है उस तरीके को हैंडल करते हुए, उस तरीके की सिचुएशन को समझते हुए, उसके सीरियसनेस को समझते हुए, उसे अपने अदर मैटर्स, अदर क्रिमिनल मैटर्स से अलग करके उनका एक अलग बंच ऑफ जस्टिस जो है बनाने की ज़रूरत है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है. बिकॉज अभी रिसेंटली हमने यूपी के अंदर जो हथरस केस देखा उसको देखते हुए लगता है कि कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ रिजाइम्स ऐसे हैं जिनको सेपरेट करने की ज़रूरत है. क्योंकि जिनको ज़्यादा फोकस और ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है उन मैटर्स को सीरियस लेवल पे हैंडल करना चाहिए, ना कि एक नॉर्मल लेवल के केस के तौर पे. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. गवर्नमेंट जुडिशरी डिसकनेक्शन को बताया गया है यहाँ पे, और उसके अलावा प्रीअजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड अदर देन दिस इट क्रिएटेड डिफरेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड इट इज समवेयर एस्टैब्लिशिंग ट्रूथ टू थ्रू ट्रायल्स दैट हैड सीज्ड टू एग्जिस्ट. सो जो जुडिशरी सिस्टम है उसको गवर्नमेंट के सिस्टम से बिल्कुल डिसकनेक्ट करते हुए अगर हम बात करें क्रिमिनल जस्टिस और क्राइम के बेसिस पर भी डिफरेंशिएट करना, किस तरीके का क्राइम है उस बेसिस पर भी सीरियस मैटर्स को एक बिल्कुल डिफरेंट बंच बनाते हुए उसको डिफरेंट वे में हैंडल करने की ज़रूरत है. इट इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. यू विल गो थ्रू इट, यू विल रीड अबाउट इट एंड डेफिनेटली यू विल आस्क योर क्वेरी व्हाट एवर यू हैव. सो आपको पूरे एनालिसिस के बेसिस पे कोई क्वेरी है, कोई इशू है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन बताइए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू. ओके, सो द नेक्स्ट इज़ टू अचीव द इम्पॉसिबल, इट इज़ प्रिसाइजली टू बी और द प्रिसाइजली द अनथिंकेबल दैट मस्ट बी थॉट. ओके, आपको अगर इम्पॉसिबल अचीव करना है तो वो सोचना होगा जो और कोई नहीं सोचा है आज तक, या बिल्कुल हमारे विचार में ही नहीं आता. ऐसी हटकर विचारों को करने से हटकर पॉसिबिलिटीज और हटकर और सक्सेस मिलती हैं. सो वी नीड टू बी समवेयर डिफरेंट, समवेयर इम्पॉसिबल एंड समवेयर अनथिंकेबल. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट गो थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड राइट मी योर कमेंट. बाय बाय, टेक केयर.